जियो की वजह से मिल रहा है तुम्हें इंटेलिजेंट डाटा, वरना काम दे रहे थे। ठीक है, तो ये अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड, आपको मालूम है कि एंड्रॉयड हर एक की पॉकेट में है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं, एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड पे जो ऐप्स बनती हैं, आप हम सब यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी स्कोप है आने वाले टाइम, ठीक है, आने वाले टाइम के अभी भी स्कोप ही है। अगर आपको एंड्रॉयड आता है तो आप एक मतलब एक अच्छे कंपनी में आप जा सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर एंड्रॉयड में, क्योंकि एंड्रॉयड क्या चीज़ है, एंड्रॉयड में हम एक तो हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिलता है ना उसको बनाना, धीरे 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 आपको खुद से सेल्फ लर्निंग होने लग जाती है कि हाँ इस चीज़ का मॉड्यूल नहीं मिल रहा तो मैं गूगल पे सर्च करके कैसे भी करके इसको बना लूँ, क्योंकि कोई चीज़ पॉपुलर करती है, जैसे PHP पॉपुलर है क्योंकि उसको करना ईजी है। अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज का नाम बोलूँ जो यूज़ होती है बट पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखना है कि जो हम ईजिली कर सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि आप सी कर रहे हो तो सी में एटलीस्ट बेसिक कर लो, क्योंकि जो सी के जो बेसिक्स हैं वो सारी लैंग्वेजेस में हैं, इफ एल्स व्हाइल लूप ये वो सब Z सारी लैंग्वेज में मिलेगी वो चीज़, ठीक है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट है, अगर आप सब में से अगर कोई स्टूडेंट